निकले रामनाथ ठाकुर की बेटी नमिता ठाकुर हैं, जो कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं। सीधे बात करते हैं, नमिता जी आज आपके पिताजी केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि हमारे पापा हमारे घर, मतलब कि इस पॉलिटिक्स में हमारे घर से मेरे दादा भी थे, लेकिन केंद्रीय सेंट्रल में मिनिस्टर बनना, इट्स ड्रीम कम ट्रू। तो ये बहुत हम लोग पूरे परिवार में खुशी की लहर गूंज गई है। अपने दादाजी को श्रद्धांजलि कहा जाए कि इस तरह से आप देना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। बिल्कुल, ये उन्हीं की तो आगे की पीढ़ी है, उन्हीं के दिए हुए चीज़ों को हम लोग आगे ले जा रहे हैं, ले जाने की पापा ने कोशिश की है। तो बस उन्हीं की दुआ कह लीजिए या उन्हीं की आशीर्वाद कह लीजिए, सारी चीज़ें उन्हीं की दी हुई है, तो उनसे तो हटके है ही नहीं हम लोग। क्योंकि उनका जो बलिदान आखिरी वक्त का रहा, जिस स्थिति में वो गुजरे, जिस स्थिति में उन्होंने सेवा भाव करते हुए देश के लिए उन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया। बिल्कुल, मेरे पापा भी उसी तरह से बहुत कुछ उससे बिलोंग करते हैं, और मेरे दादा ने तो, मैंने देखा है दादा को, और मतलब वो कभी घर और ये नहीं, मतलब हमेशा ही उन लोगों के लिए जो दलित थे, पिछड़े लोग थे, उनके लिए ही हमेशा करते हुए रहे, और आखिरी वक्त तक भी उन्हीं के लिए किया। और पीएम नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद? मैं उम्मीद क्या करूं, उन्होंने तो दे ही दिया है, तो मैं उम्मीद क्या करूं, वो तो बिन मांगे ही चीज़ दे दिए, तो फिर उम्मीद क्या करूं। मैं उनका धन्यवाद दूंगी तहे दिल से कि जो काफ़ी सालों लंबा एक अरसा था वो भारत रत्न का, वो दादा को नरेंद्र मोदी जी ने ही दिया है, तो उनके धन्यवाद और उनकी कृतज्ञता व्यक्त करने के अलावा। और हम लोग अब आपके पिताजी को ही केंद्रीय मंत्री बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नीतीश जी भी, मतलब वो उनका भी योगदान, मतलब वो हैं, वो हमारे पार्टी के लीडर हैं हमारे पापा के, तो उनका भी योगदान, उन्हीं का योगदान है और क्या। उन्होंने मेरे पापा को याद किया, उन्होंने उनके नामों को सोचा, मेरे दादा के नामों से जोड़ के सोचा, तो बहुत बड़ी चीज़ है। नीतीश जी का भी धन्यवाद देना बहुत बड़ी चीज़ है, और मोदी जी तो मोदी जी हैं। कैमरा पर्सन अवधेश सौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।